हे गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप्स की फोटो एडिटिंग जो कि यार देखने में काफी ऑसम लगती है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, यह है बिफोर और इसको हमने एडिट करके कुछ इस टाइप से बनाया है। तो अगर आप भी अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से एडिट करना चाहते हो तो बस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आपको अपनी फोटो को लाइटरूम में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपल से आपको इस एडिट वाले टूल में आ जाना है और यहाँ से आपको इस लाइट्स पर क्लिक करना है और फोटो में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है और हाईलाइट को हम करेंगे कुछ इस टाइप से थोड़ा सा कम और शेडो को हल्का सा कुछ इस टाइप से इंक्रीज, वाइट्स को भी हल्का सा इंक्रीज और ब्लैक्स को भी आपको कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर लेना है। इतना कर लिया, फिर आपको आना है यहाँ से कलर्स में और यहाँ से इसके वाइब्रेंस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज करना है। देख सकते हो कुछ इस टाइप से कर लेना और थोड़ी सी आपको सेचुरेशन भी ऐड कर लेनी है कुछ इस टाइप से। और फिर आना आपको यहाँ से मिक्स में और जो रेड कलर है उसकी आपको थोड़ी सी हल्की सी सेचुरेशन इंक्रीज करनी है और फिर आना है आपको ऑरेंज कलर में और इससे हमें अपना स्किन का कलर चेंज करना है। तो यहाँ से हम देख लेंगे जैसा हमको चाहिए। तो मैं लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेता हूँ और सेचुरेशन को भी हम हल्का सा कुछ इस टाइप से कम कर लेते हैं कुछ इतना सा। और फिर आ जाता है इस वाले येलो कलर में और इसकी सेचुरेशन को कम और ग्रीन कलर में आते हैं और इसकी सेचुरेशन को भी आपको कम कर लेना है। बिल्कुल आपको ब्लैक कर लेना है फोटो को और इन सभी को भी आपको क्या करना है, बिल्कुल ज़ीरो कर लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको इन सभी को ज़ीरो कर लेना है कुछ इस टाइप से। और इतना कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ से सिलेक्टिव वाले टूल में और बाकी सब एडिटिंग बाद में करेंगे और यहाँ से प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सिंपल से इस ब्रश को सिलेक्ट करना है और आप देख सकते हो जो स्किन का कलर है वो और जो पेड़ के कलर है वो सेम है। तो हमें बाकी सभी ब्लैक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप हमको ब्रश ड्रॉ करना है इनको ब्लैक करने के लिए। तो कुछ इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस टाइप से और फिर आ जाते हैं कलर्स में और यहाँ से इसकी सेचुरेशन को आपको बिल्कुल कम कर लेना है कुछ इस टाइप से। इतना कर लिया, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से ड्रॉ करना है। तो कुछ इस टाइप से हमें जिन जिनको ब्लैक करना है वहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है। बस आपको स्किन पर ड्रॉ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कुछ इस टाइप से। और आप चाहो तो बाकी सभी जगह पर ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर हो चुका है स्किन पर, तो यहाँ से ब्रश पर क्लिक करते हैं, इरेजर वाले में आते हैं और यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। आपको प्रॉपर तरीके से कर लेना, मैं थोड़ा सा वैसे ही कर रहा हूँ, तो आपको प्रॉपर तरीके से करना कुछ इस तरीके से कर लेना। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्लस पर क्लिक करना और यहाँ से आपको रेडियंट ग्रेडियंट वाला मिलेगा तो इस पर क्लिक करना और इसको आपको कुछ इस टाइप से करके यहाँ पर रखना है और इसको आपको कुछ इस तरीके से इन्वर्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से। और फिर आना आपको यहाँ से इसके लाइट्स में और इसके एक्सपोजर को हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से कम करना है और इसकी क्लैरिटी को आपको कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर लेनी है और फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है। इतना कर लिया, फिर आपको आना है यहाँ से नीचे इफेक्ट वाले में और यहाँ से इसकी क्लैरिटी को आपको कुछ इस टाइप से इंक्रीज करना है और विग्नेट वाले में आना और इसकी अमाउंट को कुछ इस टाइप से कम करना है कुछ इस टाइप से। विग्नेट की अमाउंट को 45 कर लेना और मिड टोन्स को हम देखेंगे तो कुछ इस टाइप से हल्का सा इंक्रीज और फेदर को हम हल्का सा कुछ इस तरीके से रखेंगे और राउंडनेस को हम क्या करेंगे कुछ इतना सा कर लेंगे। और फिर आपको आना है यहाँ से नीचे डिटेल्स वाले में और यहाँ से आपको फोटो में शार्पनेस भी ऐड कर लेनी है कुछ इस टाइप से, इतनी आपको ऐड कर लेनी है। अब आपको टोन ऐड करनी है इसमें ब्लू टोन, तो इसके लिए हम आएंगे इस कलर्स वाले में और यहाँ से हम इस ग्रेडियंट वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें ऐड करनी है ये वाली ब्लू टोन जैसी आपको चाहिए। तो ये वाली ब्लू टोन ऐड करेंगे और थोड़ा सा हल्का हल्का ऐड करेंगे सभी में कुछ इस टाइप से, कुछ इस तरीके से ऐड करनी है। और इस वाले में आना और इसमें भी हमें ये वाली ऐड करनी है कुछ इस तरीके से। इतना कर लेना और फिर आपको यहाँ से क्या करना है, इसको डन और फिर आना है यहाँ से लाइट्स में और यहाँ से हम थोड़ा सा एडजस्ट और करेंगे, कर्व पर क्लिक करना और इस वाले वाइट कलर पर आपको क्लिक करना और इसमें आपको कुछ इस तरीके से तीन डॉट बनाने हैं और ऊपर वाले को आपको हल्का सा इंक्रीज और बीच वाले को आपको कुछ इस तरीके से हल्का सा माइनस और नीचे वाले को हल्का सा माइनस और एक और डॉट बनाना है उसको हल्का सा नीचे और नीचे वाले को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करना है तो ये सिनेमेटिक सी लगेगी फ़ोटो। और फिर आना है ब्लू कलर में और यहाँ से भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, जैसे देख सकते हो ये बिल्कुल माइनस हो जाता है और ऊपर जाने पर ये एकदम ब्लू हो जाता है
तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट कर लेना कुछ इस टाइप से, वो कुछ इस तरीके से मैं प्लस की साइड रखूँगा इनको सभी को, और फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है। तो देख सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो सेव करने के लिए सिंपल से शेयर बटन पर क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके आपको फोटो को सेव कर लेना है।